हमें माला का सहारा लेकर के अपने श्वासों में मंत्र को बसाना है, फिर ऐसे अनुराग से युक्त हो जाना है कि जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे हम राधा के बिना न जी सके। बात यहां पहुंचने कम, वो तो मतलब बहिर्मुख वृत्ति में फिर इसका धीरे धीरे हम अभ्यास अंतर्मुखता के करते हैं। जब अंतर्मुख वृत्ति हो जाती तो सही मानना, माला उठाने की इच्छा नहीं होती, सही मानना। और जहां एक माला ऐसे करो तो विक्षेप सा लगता है, जिनका प्रवेश वो समझते होंगे, जैसे आप बैठे हो, प्रतिपल मंत्र का ध्यान हो रहा है, आप ध्यान पूर्वक डूब रहे हो, अब उसमें प्रत्येक गुरिया सकलाना, उसको सुमेरवाने पर गिनती किस लिए सकलाना, ये सब बाधा सी लगती है। पर शुरुआत में अगर आप ऐसा करोगे तो आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, वहां तक पहुंचने के लिए ये सहयोगी है। मगर एक समय ऐसा आता है, और ऐसा करना चाहिए प्रत्येक साधक को, कुछ समय तक बिना माला के मंत्राकार वृद्धि करने की चेष्टा करनी चाहिए। कभी आपका ये नाशवान शरीर है, मान लो अंगुली टूट जाए, अंगूठा टूट जाए, ये नाशवान है। अगर हमने केवल माला से अभ्यास किया तो हमारा भजन रुक जाएगा, ये अनुभव की बात कहते हैं। जैसे हमने 50 माला निज मंत्र का जप करने का नियम लिया, तो 50 के बाद जो मन है ना, वो कहता है आज का काम हो गया, वो अंदर से कहता है आज का काम हो गया, मतलब वो उस समय सावधानी से अलग होने लगता है। और जब हमें प्रतिपल उसका, अच्छा जब हमारे हाथ में माला नहीं होगी तो हमें मंत्र चलाने में मुश्किल पड़ेगा और लगेगा माला चाहिए, क्योंकि अभ्यास आपने किया है। कई तरह का अभ्यास करके इसको मन को फंसाना चाहिए, जैसे मानो माला ही है तो हमें गिनती की जरूरत थोड़ी, अरे माला चल तो रहा है, माला ही तो चल रहा है, बिल्कुल ना गुरिया है ना माला है, अरे इसको फंसाना ही तो है मन को, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गणना में हमें किसी को बताना है क्या, राधे श्याम राधे श्याम। फिर धीरे धीरे इसको भी बंद कर दिया, आज्ञा चक्र में हम लिखते जाते हैं बार बार नाम लिख रहे हैं, आंख खुला है तो बंद है तो बार बार नाम, एक एक मात्रा एक एक अक्षर उसमें डूब रहे हैं। अब देखो एकदम आपको एकदम रोमांच हो जाएगा, एकदम शीतलता है, जब मंत्र का तदाकार वृत्ति से 5 मिनट तदाकार हो जाए तो 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज, आप समझ लीजिए, ये मतलब अनुभव की 5 मिनट अगर डूब गए मंत्राकार वृत्ति में, कुछ याद नहीं रहा बाहर, तो 24 घंटे के लिए ऐसा आनंद दे देगा कि मंत्र अपने आप चलने लगेगा। अभी क्या होता है कि अंगुली में माला, जिभ्या पे नाम और वृत्ति बाहर, ये प्रारंभिक दशा में आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रारंभिक दशा में केवल उसके ऊपर छोड़ देंगे तो विषयी मन वो कल्पना में फंसा देगा, नाम छूट जाएगा। प्रारंभिक दशा में बहुत सहयोगी माला है, माला भगवत स्वरूप है, पर एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि हम बिना माला के भी भगवान नाम में, प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के रूप में हम डूबे। ये प्रेम रस की वृत्ति आने के लिए थोड़ा सहयोगी है, लेकिन पूरी वृत्ति माला में ही केवल ना लगा दे, नहीं तो देखा गया है अंगूठा दर्द करने लगा, अंगूठे में चोट लग गई तो बहुत विक्षिप्त है, भजन नहीं हो रहा। हमें ऐसी कमजोर स्थिति नहीं रखनी। जब हम गुरु कृपा से इस मार्ग में प्रारंभ में आए तो ये गुरुजनों से सुनने को मिला कि जितना जितना नाम जप करोगे रूप का प्रकाश होगा, तो लोभ गुरु के वचनों से जागृत हो गया। तो जो पूर्व में सदगुरुदेव भगवान थे, बड़े जप प्रधान महापुरुष थे, सन्यासी थे पर बहुत प्रणव जप प्रधान थे, रात्रि के 2 बजे हम जैसे उठते तो देखते जप में बैठे, और दिन में जैसे विश्राम करते तो टहलते हुए आ जाए, उठ बैठ, महाराज जी भी विश्राम कर रहे थे इसलिए लेट गए थे, नहीं किसान को देखो, वो जंगलों में जैसे गंगा किनारे थे ना, कहते किसान को देखो हल जोत रहा, एक अन्न प्राप्त करने के लिए वो विश्राम नहीं कर रहा और गया हल जोत रहे, तुम बाबा जी बनना चाहते हो इस समय पड़े, चलो बैठो। और जब की और फिर उनके वचनों से लोभ हुआ कि नाम जब से मंत्र जब से प्रभु का रूप आने लगता है तो कहीं ना कहीं आकर्षण तो होता है, तभी इस मार्ग में कोई कदम रखता है। अब उसको अब अगर कोई छू भी बोले तो विक्षेप पड़े। फिर सदगुरुदेव भगवान से कहा कि कहीं कुछ बज रहा है, कहीं कोई बोल रहा है, कहीं कोई आवाज आ रही, तो मन बहुत विक्षेप, तो उनका इस पर सुधार करना है, हमें कहीं विक्षिप्त नहीं होना, कहीं उस संगीत आदि बज रहा तो एकदम विक्षेप होता। फिर हम साउंड पे खड़े होकर भजन शुरू किया, जैसे हम भ्रमण करें कहीं गाना चल रहा तो वहीं खड़े हो गए, बार बार वृत्ति मंत्राकार वृत्ति टूटने न पाए, थोड़ी देर परेशानी होती है, फिर धीरे 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 टीवी चल रही बैठे मंत्राकार वृत्ति,
उसका चित्र आकर्षित न कर पाए, उसका शब्द आकर्षित न कर पाए, पर समाज है वो हल्ला मचा है, खड़े हो गए बाजार में थोड़ी देर, मंत्रा कर रहे थे, धीरे 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 सब जगह पास हो गए। ये जैसे ट्रेनिंग दी जाती है ना, देखो जवान की बिना युद्ध के वो सैकड़ों गोलियां बरसाता रहता, क्योंकि उसको अभ्यास चाहिए ना, तो हमको भी तो युद्ध करना है, न जाने कितनी प्रतिकूलता आएगी, कोई गाली बक रहा है, कोई समाज की भीड़ है, कोई मनोरंजन के गाने गा रहे जा रहे हैं कहीं, कोई कुछ तो हम हर लुभावने और भयावने दोनों स्थिति में नाम को ऐसा दृढ़ कर ले किसी भी स्थिति में नाम न। अब समस्या थी जैसे कोई आया तो बात कर रहा है तो बहुत अंदर जलन होती, ये कब जाए हम नाम, मतलब तब तो लगा कि ऐसे नहीं, इसका भी सुधार होना चाहिए। तो जैसे सामने वाला बोल रहा है, उसके चेहरे पर बार बार नाम का चित्रण कर रहे हैं, देखा वो समझ रहा है बाबा बहुत प्यार से देख रहे हैं, हम तो मैं नहीं देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और वो बार बार नाम उसके बीच में बोल दिया हाँ अच्छा, और फिर नाम चला, बड़ा आनंद आने लगा, आधा घंटा वो बात हुई लेकिन अब आधा घंटा विस्मरण नहीं हुआ। अगर बोलना है तो कोई सूक्ष्म बात भागवती बोल दो, चुप रहो सामने वाले बोलने दो, और अपने अपने बस अपने चलने जाए, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने लगती है कि आप स्वयं कर रहे हो, उठे मंत्र चल रहा है, बड़ा आनंद। ये जो तंद्रा में भजन होता है ना, बहुत सुखद होता है, नाम सो रहे हैं नाम जग रहे हैं, इस स्थिति का जो भजन बड़ा आह्लाद, ये वही समझते हैं जो अच्छे साधक भजन में लगे हैं, एक स्थिति होती है ना, सो रहे हैं ना जग रहे हैं, चेतना भी है और बाहर की चेतना भी नहीं, मंत्राकार वृत्ति है या भागवती चिंतन में एकदम डूबा हुआ है। तभी संत जन प्राय कई कई घंटे पड़े हैं, लेकिन उनको नींद में थोड़ी हो, संत सोता नहीं है, जो भागवतिक महापुरुष सोते नहीं है, उनका हृदय निरंतर भजन परायण रहता है, आंख मुंदी हुई, हो सकता है तुम्हें लगे कि सो रहे लेकिन वो सो नहीं रहे। हाँ बिल्कुल पक्की बात, अभ्यास में कमी नहीं रखनी चाहिए, माला में गांठ लगी है कि नहीं लगी उससे क्या होगा, आप दोनों तरह की माला रख लो सिराने, देखो क्या होता है, क्या होता है, माला रखने से केवल काम नहीं चलेगा, अंदर भजन करने से काम चलेगा, हम निरंतर भजन परायण रहे।